राजस्थान के टोंक में हैरान कर देने वाली एक घटना हुई। वहां के सुनवा गांव में सरकारी चारागाह की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तो लोगों ने इतना तमाशा किया कि एक इंच जमीन तक खाली नहीं हो पाई और उन्हें बैरंग लौटना पड़ा, क्योंकि जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई चारागाह की जमीन पर बसे लोगों ने हायतौबा मचा दी। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी मैदान मार लिया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को ही अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। इसके बाद जैसे ही कैमरा घुमा कुछ महिलाएं दूर पानी की टंकी पर डेरा डाले नजर आईं। ये देखकर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लाख कहने के बाद भी महिलाएं नीचे नहीं उतरी। थक हार कर पुलिस वाले सड़क किनारे शांति से खड़े हो गए। जो एक आध अवैध निर्माण गिराए भी गए उन्हें देखकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपनी गरीबी का रोना रोना शुरू कर दिया। लोगों की मांग है कि पहले प्रशासन उन्हें रहने की कोई नई जगह दे, तब उनके घर पर बुलडोजर चलाए। प्रशासन ये सब कहता है तो उठ के भग जाओ, फुटबॉल की तरह कल आया और आज भग जाओ। वहीं प्रशासन ने दो टूक कहा कि जमीन तो खाली होकर ही रहेगी। अतिक्रमण अवैध रूप से है, सरकारी भूमि पे चरागाह भूमि है जिसपे हटाया जाना अति आवश्यक है। असल में इलाके में सरकार का एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान है, इसलिए प्रशासन की तरफ से वहां अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा